हेलो स्टूडेंट, लेट सी दिस क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ एक्स फोर लॉग एक्स माइनस वन बेस का फोर दे रखा है इक्वल टू लॉग टू, बेस का टू दे रखा है और एक्स माइनस वन दे रखा है इज। बच्चों अपन को इसको एक्स के लिए सॉल्व करना है, तो अपन पहली बात तो ये एक्स माइनस वन जो है ना ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो यहाँ से एक्स पहली बात अपना ग्रेटर देन होना चाहिए। अब इसको जो है ना अपन सॉल्व करते हैं, यहाँ अपन लॉग एक्स माइनस वन और इस फोर को अपन टू का स्क्वायर लिख देते हैं इक्वल टू लॉग टू लॉग एक्स माइनस वन और बेस का टू। अब इस टू को अपन बाहर ले जा सकते हैं, तो वन अपॉन टू हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस वन और बेस का टू इक्वल टू लॉग एक्स माइनस वन और बेस का टू। इस टू को जो है ना अपन राइट हैंड साइड भेज देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा लॉग एक्स माइनस वन और बेस का टू इक्वल टू टू टाइम्स लॉग एक्स माइनस वन और बेस का टू। अब इस टू को इसके एक्स माइनस वन के पावर में भेज देते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी के हिसाब से एक्स माइनस वन और बेस का टू इक्वल टू लॉग एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल बेस का टू। तो यहाँ बेस सेम है, तो ये पावर और ये पावर इक्वल टू होना चाहिए, तो यहाँ से एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स और प्लस का वन। तो यहाँ से देखें तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स और प्लस का टू इक्वल टू जीरो। तो इसका फैक्टर बनाए तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो यहाँ से एक तो एक्स का वैल्यू टू आ रहा है और एक एक्स का वैल्यू अपना वन आ रहा है। तो अपन ने डोमेन निकाला है, उसमें एक्स वन से ग्रेटर होना चाहिए, तो ये अपना पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है। तो अपना जो पॉसिबल सॉल्यूशन है एक्स इक्वल टू टू, यहाँ से देखें तो ऑप्शन ए में मैच कर रहा है। तो आई होप बच्चों।